ये जनतंत्र है। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और नॉर्वे के पूर्व पीएम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फ्री 100 वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू करवाए और दिल्ली को देश का पहला स्मार्ट कनेक्टिविटी शहर बनाया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 2,00,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगानी शुरू कर दी है। ये कदम महिला सुरक्षा को देखकर उठाया गया है। दिल्ली को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली की कॉलोनियों में CCTV लगा रही है। दिल्ली सरकार की ये प्राथमिकता है कि हर दिल्लीवासी हर समय दिल्ली में सुरक्षित महसूस करे। Women in Delhi are getting free rides across all government buses, and in an important step towards women's safety, the government has also deployed marshals in every bus. सप्तुला लेक जो एक वक्त सूख गया था, दिल्ली सरकार ने उसे पुनर्जीवित करके एक नया इतिहास रचा है। नॉर्थ दिल्ली में आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, जिसकी लागत 250 करोड़ रुपए थी, वो सिर्फ 150 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब लागत से काफी कम कीमत और तय समय से समय पर सरकारी काम पूरा हो गया हो। दिल्ली सरकार ने फरिश्ते दिल्ली की स्कीम शुरू की। स्कीम के तहत दिल्ली में होने वाली किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। अरविंद केजरीवाल सैकड़ों माता पिताओं को तीर्थ धामों की यात्रा करा रहे हैं। 1 अगस्त से दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। दिल्ली को मुफ्त पानी देने के बावजूद दिल्ली सरकार ने 178 करोड़ का मुनाफा दर्ज करा। विजय कुमार जो है, उन्होंने दिल्ली सरकार की भीम योजनाएं जिसके तहत मुफ्त ट्यूशन दी गई और सफलता हासिल की है। आउट ऑफ द टोटल 53,000 करोड़ बजट, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन द स्टेट। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इस देश को आगे ले जा सकती है, और अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो ये देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बजट को सिर्फ 5 साल में दोगुना करके दिखाया। जनता को विभिन्न स्कीमों से लाभ देने के बावजूद केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में चल रहा है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि दिल्ली को मिली है एक ईमानदार सरकार, यानी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल ने दिल्ली में जो कर दिखाया उससे तो ये साबित होता है कि कोशिश करने वाले की जीत सुपर जीत होती है। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे।